Good morning, student. Today in English, we will study English Marigold, unit number 1 and poem first, A Happy Child. Okay, student? I will read it and I will explain you this poem. My house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play the whole day long, I hardly ever cry. I have a tree, a green, green tree, to shade me from the sun. And under it I often sit when all my play is done. Okay, student, like this, आपको ये poem बोलनी है और याद भी करनी है. Okay, student, ये poem में poet बोल रहा है, जो poem है वो बोल रहे हैं कि my house is red, मेरा जो घर है वो कैसा है, देखो picture में भी दिखाई दे रहा है, red रंग का है. और a little house, it means छोटा सा house है. A happy child am I, और मैं एक कैसा बच्चा हूँ, खुशनुमान, happy बच्चा हूँ. Happy it means खुश होना. I laugh and play the whole day long. मैं laugh, it means हंसना. मैं हंसता हूँ, खेलता हूँ, सारा सारा दिन खेलता हूँ. I hardly ever cry. Hardly it means कभी कभी. Okay? यार मैं कभी कभी ही रोता हूँ. I have a tree. A green green tree. मेरे पास एक पेड़ है. कैसा पेड़ है? जिसके ऊपर ग्रीन ग्रीन लीव्स लगी हुई हैं, पत्तियाँ लगी हुई हैं. लीव्स इट मीन्स पत्ती, ग्रीन इट मीन्स हरा. टू शेड मी फ्रॉम द सन, वो पेड़ मुझे छाया, शेड इट मीन्स छाया देता है. किससे छाया देता है? सूरज की रोशनी से. वो पेड़ के नीचे जब मैं बैठता हूँ तो मुझे छाया मिलती है. एंड अंडर इट आई ऑफन सिट, और उसके नीचे मैं बैठता हूँ. कब बैठता हूँ? कि when all my play is done, कि जब मेरा सारा खेलना पूरा हो जाता है, बराबर, तब मैं उसके नीचे, पेड़ के नीचे बैठता हूँ. ओके स्टूडेंट, तो ये पोयम का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा. और सुनिए, वो पोयम के नीचे ही न्यू वर्ड्स दिए गए हैं. cry, cry, cry it means रोना. day, day it means din. red, red it means lal rang. And sun, sun it means suraj. Okay student, है ना? अब teacher आपको next book में से exercise समझा रही है. Okay, आपको क्या करना है? वो exercise books में से समझनी भी है. वो हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे.